इंदौर में शराब कारोबारियों के बीच हुई गैंग वॉर अब नया मोड़ लेता दिखाई दे रहा है। सोमवार को शराब सिंडिकेट के दफ्तर में जिस अर्जुन ठाकुर को गोली मारी गई थी, उसने सिंडिकेट को लीड कर रहे एक सिंह और पिंटू भाटिया का नाम एक एफआईआर में नहीं होने पर आपत्ति ली है और डीआईजी को एक न्याय पत्र लिखा, जिसमें अर्जुन ने लिखा है कि जब वह अपने साथियों मोहन ठाकुर, मोहित आहूजा, रिंकू यादव व बबलू तोमर के साथ सिंडिकेट के विजयनगर क्षेत्र स्थित ऑफिस में बैठा था, तभी एके सिंह, पिंटू भाटिया, हेमू ठाकुर, पिंटू ठाकुर और सतीश भाऊ कुछ लोगों के साथ वहां आए और फायरिंग शुरू कर दी। सिंह और भाटिया दोनों अपने साथ आए लोगों के साथ गोली चला रहे थे और उनका कहना था कि किसी भी हालत में अर्जुन बच नहीं पाए। इसी दौरान पिंटू ठाकुर ने जो गोली चलाई वह उसे लगी और वह घायल होकर नीचे गिर पड़ा। इसके बाद सिंह और भाटिया हेमू एवं चिंटू ठाकुर को लेकर वहां से भाग निकले। अर्जुन ने विजयनगर टीआई को प्रेषित पत्र में, जिसकी प्रति इंदौर के डीआईजी और पूर्वी क्षेत्र के एसीपी को भी भेजी गई है, कहा है कि विवाद की मीटिंग के दौरान नहीं हुआ था, उसे बुलाया मीटिंग के नाम पर था और वह जब अपने साथियों के साथ एके सिंह और पिंटू भाटिया का इंतजार कर रहा था तभी यह लोग वहां आए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उसने एक एफआईआर में सिंह और भाटिया का नाम न होने पर आपत्ति लेते हुए कहा कि अव्वल तो उसे एफआईआर की प्रति ही नहीं है दी गई है और मांगने पर जब उससे प्रति मिली तो उसमें सिंह और भाटिया का नाम न देख उसे आश्चर्य हुआ। उसका कहना है कि उस पर हमला सिंह भाटिया एवं हेमू ठाकुर, चिंटू ठाकुर और सतीश भाव का संगठित हमला है, इसलिए इस मामले में एके सिंह और पिंटू भाटिया को भी आरोपी बनाया जाना चाहिए। राजकीय अपोलो अस्पताल में भर्ती अर्जुन ठाकुर ने इस आवेदन के बाद यह मामला अब नया मोड़ लेता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, वंदे भारत न्यूज़।